चतुर कछुआ की कहानी। एक गांव में एक छोटी नदी बहती थी। उस नदी में तरह तरह की मछलियां और एक कछुआ रहता था। एक बार की बात है, जब कछुआ नदी में तैर रहा था, उसने अपना सिर बाहर निकलकर देखा तो बहुत अच्छी मीठी मीठी धूप खिली हुई थी। कछुए ने सोचा, अरे वाह, बाहर बहुत अच्छी धूप खिली है और कितनी अच्छी सुबह है, क्यों ना मैं धूप में जाकर बैठा रहूं। कछुए तैरकर नदी किनारे पहुंच जाता है। ये जगह अच्छी है, यहाँ आसपास कोई नहीं है, यहाँ पर बैठकर धूप का आनंद लेता हूँ। कछुआ आँख बंद कर धूप सेक रहा था, तभी आसपास झाड़ियों में छुपे भेड़िए ने कछुए को देख लिया। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खाना खुद चलकर मेरे पास आया है। कछुए का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, आज तो मैं इसे खाकर ही रहूँगा, आज तो जी भर कर खाने को मिलेगा। भेड़िया धीरे धीरे कछुए के पास आया। उसने कछुए को पकड़ लिया और पकड़कर उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कछुए का कवच इतना सख्त था कि वह उसे तोड़ ही नहीं पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे खा नहीं पाया। भेड़िए की ऐसी हालत देखकर कछुआ बहुत दुखी हुआ और बोला, आपकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, लगता है आपको बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मुझे खाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे कवच के कारण आप मुझे खा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए, क्या पता आपको कोई उपाय मिल जाए। कोई उपाय है तुम ही बोलो, कछुआ बोला। आप मुझे थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखिए, इससे मेरे कवच मुलायम हो जाएगा और आप मुझे आसानी से खा पाएंगे। भेड़िए ने बिना कुछ सोचे समझे कछुए को पानी में छोड़ दिया। मौका देखकर कछुआ नदी में चला गया और नदी में जाकर बोला, आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। सिख, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।